नमस्कार, मैं फ्यूचर गुरु नरेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जानने वाले हैं कि वास्तु अनुसार सब दिशाएं शुभ होती हैं। किसी भी दिशा में किसी प्रकार का दोष नहीं होता यदि उसको सही तरह से उपयोग में लाया जाए। यदि आपको अपनी सब दिशाओं पे, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके वास्तु का जो दरवाजा है, द्वार है, वो किस दिशा में है। यदि उस दिशा अनुसार कोई बिजनेस आप चुनते हो तो वो बिजनेस आपका जरूर चलने लगेगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आपकी वास्तु की दिशा अनुसार कौन सा बिजनेस आपकी दिशा आपको फलदायी बन सकती है, कौन सा बिजनेस आपको आपकी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो सबसे पहले, यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार जुड़े हो, पहली बार हमारे चैनल पे आप आए हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे रोचक जानकारियां और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो अब हम लोग जानेंगे कि वास्तु में किस दिशा में कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो आपको विशेष लाभदायी होगा। सबसे पहले जानेंगे आपको पूर्व दिशा के बारे में। ईस्ट दिशा यानी पूर्व दिशा में जिन लोगों का दरवाजा होता है वो सबसे पहले शिक्षा की दिशा मानी जाती है, ऊर्जा की दिशा मानी जाती है, नॉलेज की दिशा मानी जाती है। तो यदि आप किसी भी प्रकार से कोई कंसल्टेंट का काम करते हो, लोगों को नॉलेज शेयर करते हो, तो आपको उस दिशा में निश्चिंत लाभ होगा। दूसरा, पूर्व दिशा जो है वो ज्ञानवर्धिनी है, इसके लिए किसी प्रकार के फाइनेंसेस के काम करने में भी पूर्व दिशा में आप लाभ उठा सकते हो। किसी प्रकार के धान अनाज का यदि आप काम करना चाहते हो तो भी पूर्व दिशा में आपको लाभ निश्चिंत मिल सकता है। दूसरी दिशा आती है साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसको हम अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण में यदि आपका दरवाजा आ रहा है तो अग्निकोण में विशेष रूप से स्त्रियों से संबंधित जुड़े हुए कोई व्यापार, जैसे ब्यूटी पार्लर हो सकता है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ऐसा कोई व्यापार यदि अग्निकोण की दिशा में लोग करते हैं तो उनको निश्चिंत सफलता मिलती है। आप जो भी लेडीज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, जो लेडीज एक्सेसरीज यूज करती है, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस आप उस दिशा में करते हो तो निश्चिंत लाभदायी होगा। तीसरा होगा दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा वैसे तो शास्त्र रूप से मंगल की दिशा मानी जाती है, अग्नि से जुड़ी हुई दिशा है, इसके लिए कोई भी फैक्ट्री, कारखाना या किसी प्रकार की हेवी मटेरियल बनाने वाली जो कंपनियां होती है उनका दरवाजा दक्षिण दिशा में सूट हो जाता है। आप यदि किसी प्रकार के बड़े प्रोडक्शंस को कर रहे हो और कोई हेवी मटेरियल, हेवी प्रोडक्ट्स का उपयोग आपकी दुकान में या मकान में या किसी प्रकार के कारखाने में हो रहा है तो निश्चित दक्षिण दिशा में भी आपका दरवाजा होगा तो आपको फलदायी हो सकता है। अब चौथी दिशा आती है साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम निवृत्त दिशा कहते हैं। निवृत्त दिशा वैसे तो राहु से प्रभावित होती है, केतु से प्रभावित होती है, इसके लिए यदि किसी भी प्रकार का बियर शॉप, वाइन शॉप या तंबाकू के जो कुछ उत्पाद होते हैं, सिगरेट की शॉप हो सकती है, जो लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों को अपने दबाव में लाते हैं। बहुत से उड़ती होटल्स आपने देखे होंगे जो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे होते हैं, क्योंकि वैसे भी जो साउथ इंडियन लोग होते हैं जो उड़ती होटल्स वगैरह चलाते हैं उनके ऊपर वैसे ही साउथ का प्रभाव ज्यादा होता है, मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है, इसके उन लोगों को ये दिशा विशेष रूप से सूट होती है। यदि कोई बियर शॉप या वाइन शॉप के साथ साथ आप कोई रेस्टोरेंट भी डालने की इच्छा रखते हो जहाँ पे आप मादक पदार्थों का उपयोग करते हो तो आप साउथ वेस्ट कॉर्नर के दरवाजे का उपयोग कर सकते हैं, जो विशेष रूप से आप लोगों को फलदायी होगा। अब आती है पांचवी दिशा, जिसको हम पश्चिम दिशा कहते हैं। पश्चिम दिशा वैसे तो शनि से प्रभावित होती है, पर यह दिशा एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट जोन, यानी आपकी मूवी से जुड़ा हुआ, मीडिया से जुड़ा हुआ, या किसी भी प्रकार से यदि आप किसी ऐसी चीजें जो रूटीन में एक्सपेंसेस होती है, ज्यादा करके टिकती नहीं, जो हम लोग फ्रूट्स बिजनेस हो सकता है, जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसा कोई बिजनेस है तो वो निश्चित रूप से पश्चिम दिशा में आप उपयोग में ला सकते हो। पश्चिम दिशा में विशेष रूप से जो डेली प्रोडक्ट्स होते हैं, जहाँ पे आप फ्रूट मार्केट हो सकता है, आपका वेजिटेबल मार्केट हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज जो डेली रूटीन में आपकी निकलती है या कोई लग्जरियस प्रोडक्ट्स भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं। विशेष रूप से ये स्थान आपको डेली वेजेस भी देता है,
डेली एक्सपेंसेस को भी माना जाता है। इसके लिए जो भी रेगुलर इनकम आने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप वहां पे जरूर रख सकते हैं। अब छठी दिशा आती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे विशेष रूप से प्रेम की दिशा मानी जाती है, वायु की दिशा मानी जाती है। यदि आप किसी प्रकार से लोगों को प्रभावित करने वाले यानी लोगों को अच्छे लगने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रूप से ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं या कोई ऐसे जो लग्जरियस कपड़े होते हैं जिनको टी शर्ट जींस ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को बहुत ही पसंद आती है, जो कपड़ा मार्केट होता है वो नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा फलता है। वहां से आप जो भी चीजें बेचना चाहते हो वो आपकी फटाफट बिकने लगेंगी। इसके लिए नॉर्थ वेस्ट वाली दिशाओं के जो दुकान होते हैं वो ज्यादा बिक्री करते हैं। यदि आपको मीडिया से रिलेटेड कोई काम करना है जहाँ पे लोगों की फोटोशॉप वगैरह होती है या किसी प्रकार से मीडिया की कोई कंपनी होती है तो वो नॉर्थ वेस्ट में जरूर रखें, जो लोगों को फेमस करती है। एंटरटेनमेंट बिजनेस भी उस दिशा में ज्यादा फलदायी होता है। इसी के साथ सातवीं दिशा आती है उत्तर दिशा। साक्षात रूप से माँ लक्ष्मी की दिशा होने की वजह से जिन भी लोगों का दुकान मकान फैक्ट्री नॉर्थ दिशा में होता है वो निश्चित रूप से अपने बिजनेस में ग्रोथ फास्ट करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी उनके वास्तु में आती ही रहती है। इसके लिए हम सदैव कहते हैं कि उत्तर दिशा का द्वार हर बिजनेसमैन व्यक्ति को विशेष रूप से फलदायी होता है। अब उत्तर दिशा विशेष रूप से फाइनेंस की दिशा मानी जाती है। इसके लिए यदि आप बैंकिंग सेक्टर से कोई काम कर रहे हो, आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई काम है या फाइनेंस रिलेटेड कोई काम है तो निश्चित रूप से उत्तर दिशा में आप यदि अपना दुकान होगा तो ये काम करिएगा, आपके पास निरंतर धन आते रहेगा। आप यदि शेयर मार्केट में भी काम कर रहे हो तो भी उत्तर दिशा यदि आपकी होगी तो आपको लाभ जरूर देगी। इसी के साथ आठवीं प्रमुख दिशा आती है जो ईशान कोण होता है। ईशान कोण पे यदि आपका दरवाजा है तो धर्म और कर्म से जुड़े हुए काम जो लोगों को मदद करने वाले होते हैं, कोई भी ऐसी संगठन आप खोलिएगा जो ज्ञान देती है, जो बच्चों को पढ़ाती है, लोगों को हेल्प करती है, या आपका शॉप जो होगा वो पूजा पाठ से संबंधित सामग्री का होता है तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस चलने लगेगा। क्योंकि हर दिशा का अपना एक महत्व होता है। हर दिशा में ग्रहों के जो स्वामी होते हैं वो अपनी चीजों को यदि वहां पे पाते हैं तो लाभ जरूर देते हैं। तो मैं चाहूंगा जो मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसको सही तरह से अपने उपयोग में लाइएगा। आपका दरवाजा जिस दिशा में है उस दिशा से संबंधित यदि व्यापार किया जाए तो मैं गारंटी देके कहता हूँ आपको लाभ जरूर होगा। आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा, ऐसी रोचक जानकारी आपको जरूर मिलती रहेगी। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्र परिवार में अपने लोगों को जरूर शेयर करिएगा। यदि वो बिजनेस में सही कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है जो उनकी ग्रोथ में उनको सपोर्ट जरूर करेगा। मैं फ्यूचर गुरु नरेश जोशी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।